We are here, PEN Arunachal Joint Steering Committee. So the purpose of coming here is to give an update on the status. जितना भी अभी हम लोग का movement का जो भी status है उसको update करने के लिए आया है. तो आज का जो discussion है वो उसमें चार points we will be discussing on five points. Government का जो response है वो होगा. Government का जो response है उसको लेके बात किया जाएगा. उसके बाद डोनेशन ड्राइव को लेके उसका अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी और SIC CBI का इन्वेस्टिगेशन एंड चार्जशीट को लेके और एक नेक्स्ट पॉइंट होगा क्लेरिटी ऑन चार्टर ऑफ डिमांड्स और लास्ट जो उसका नेक्स्ट पॉइंट होगा मास मीटिंग जो हम लोग का अभी नेक्स्ट मीटिंग जो होगा हम लोग का मास मीटिंग होगा उसको भी लेके थोड़ा सा ब्रीफिंग किया जाएगा. तो आई विल बी स्पीकिंग ऑन यू नो गवर्नमेंट का जो रिस्पॉन्स है हम लोग का ये इशू को लेके उसको और डोनेशन ड्राइव का. डोनेशन ड्राइव मतलब हम लोग का जितना अभी तक फंड रेजिंग में कितना हम लोग अमाउंट कलेक्टेड हुआ है उसको पब्लिक को थोड़ा सा हम लोग बता देगा. तो जैसे कि हम लोग को पता है हम लोग का जो ये इशू है ये हम लोग का सिक्स मंथ हो रहा है ये इशू को लेके. तो यहाँ पे एवरी वन वॉज यू नो पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. तो हम लोग जो यहाँ बैठा हुआ है पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमेटी हम लोग सिर्फ जो डिप्राइव एस्पिरेंट है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है. यहाँ हम लोग उस वो एस्पिरेंट को भी रिप्रेजेंट कर रहा है जो कल को जाके एग्जाम लिखेगा जो कल को जाके फ्री एंड फेयर एग्जामिनेशन वो लोग भी डिमांड कर रहे हैं. तो उसके बाद हम लोग वो पेरेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जो यू नो अपना बच्चा को एक कंफर्टेबल लाइफ देता है उसके बाद अफोर्ड कर पाता है गुड एजुकेशन को गुड एजुकेशन देने के लिए अपना बच्चा को और वो लोग ये उम्मीद करता है कि वो लोग का बच्चा भी कल को जाके एक ऑफिसर बने. एट द सेम टाइम वी आर रिप्रेजेंटिंग दो सेक्शन ऑफ पेरेंट्स जो यू नो दिन रात मेहनत करके अपना बच्चा को यू नो हार्ड वर्क करके अपना बच्चा को पढ़ा के लिखा के दे ऑल्सो वांट देयर सन एंड डॉटर्स टू बी यू नो टू होल्ड रिस्पेक्टेबल प्लेस इन द सोसाइटी. तो यहाँ हम लोग जो पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी जो है इट रिप्रेजेंट्स एवरीवन. तो एवरीबॉडी इज अ स्टेक होल्डर हेयर. तो हम लोग का जो इशू है उसका सिग्निफिकेंस जो सीरियसनेस है और जो इम्पोर्टेंस है उसको देख के हम लोग को जो है ऐसा हम लोग जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि हम लोग का जो इशू है जो मूवमेंट है उसको एक लॉजिकल कंक्लूजन मिलना चाहिए. तो हम लोग का मेरा जो पॉइंट है वो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स होगा. अभी तक हम लोग का जितना भी मूवमेंट हुआ है ये फाइट में जो गवर्नमेंट रिस्पॉन्स किया है हम लोग का इशू को लेकर दैट आई विल बी ब्रीफिंग ऑन. तो बिफोर दैट आई वुड ऑल्सो यू नो वी एस्पिरेंट वुड लाइक टू थैंक अंशु टीम अंशु क्योंकि जितना भी अभी वॉट एवर हैज हैपेंड आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ पेन अरुणाचल जॉइंट स्टीयरिंग कमिटी जितना भी प्रोग्रेस हुआ है टिल डेट वो लोग का यू नो वो लोग का विजडम का वजह से वो लोग का सपोर्ट का वजह से हुआ है. अभी तक जितना भी हम लोग का प्रोग्रेस हुआ है दे वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल विदाउट देयर गाइडेंस. तो यहाँ पे अंशु बींग वन ऑफ द एपेक्स बॉडीज ऑफ अरुणाचल प्रदेश हम लोग का स्टार्टिंग से आज अभी तक हम लोग का साथ में है. तो वो लोग हम लोग वो लोग का बैनर का अंदर में रैली करवाया है 3 दिसंबर को उसके बाद बन कॉल करवाया है 27 दिसंबर को. तो ये सब वो लोग अपना यू नो विजडम अपना लीडरशिप को शो किया है और हम लोग को साथ में ये इशू का जेन्युइनिटी को देख के जो है हम लोग का सपोर्ट कर रहा है. तो आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट और वो लोग का जो हार्डवर्क है उसको हम लोग जो है वी आर वेरी मच थैंकफुल. और आई थिंक ये जितना अभी तक हम लोग का जो इशू है उसको जो है अंशु टीम को जो है स्पेशली बाय नेम आई वुड लाइक टू थैंक अंडर द लीडरशिप ऑफ यू नो प्रेसिडेंट नाबम दोदुम सर उसके बाद जीएस गोरा रिकुम सर और वीपी रहीम यांगो सर को उसके बाद जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स है उसको भी हम लोग थैंकफुल है. एंड ऑल्सो आई वॉन्ट टू रिक्वेस्ट एवरी अरुणाचली शुड थैंक टीम अंशु जो हम लोग का ये इसको इशू को स्पेयर करने में मदद कर रहे हैं. तो नाउ आई कम टू माई पॉइंट जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स है हम लोग ये इशू को लेके जैसे कि जो अंशु जो है हम लोग पहले से सपोर्ट कर रहा था हम लोग जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग जो दिया था अंशु टीम को तो वो लोग इन तो जो है गवर्नमेंट को फेस किया है. तो वो जो हम लोग का जो जितना भी चार्टर ऑफ डिमांड था 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स था उसको जो है अंशु ने जो है गवर्नमेंट को फिर अगेन वो प्लेस किया गवर्नमेंट का टेबल में. तो गवर्नमेंट भी जो है हम लोग जो डिमांड को देख के जो है कॉग्निजेंस में लेते हुए वो लोग भी कुछ इनिशिएटिव लिया है और यू नो वी फॉर दैट ऑल्सो वी आर रियली थैंकफुल टू द गवर्नमेंट. और ये इशू का जेन्युइननेस और ट्रूथफुलनेस को देख के वो लोग भी कुछ इनिशिएटिव लिया है कॉग्निजेंस लिया है और
यू नो जितना हम लोग का ये इशू जो है सच्चाई पे बेस्ड है, एक जितना जेन्युइनिटी है इशू में, वो चीज को जो है देखते हुए गवर्नमेंट ने जो हम लोग को 10 तारीख को मीटिंग बुलाया था, ऑन 10 जनवरी 2023 में जो है हम लोग को मीटिंग बुलाया था, और हम लोग का जितना चार्टर ऑफ डिमांड है, 13 चार्टर ऑफ डिमांड है, वो जो है अगर गवर्नमेंट चाहता है तो वो पॉसिबल है, इन वन मीटिंग इट कैन बी डन, वो सॉर्ट आउट हो सकता है इन वन मीटिंग। लेकिन भी हम लोग जो 10 तारीख को जो मीटिंग हुआ था गवर्नमेंट के साथ में, उसमें जो है वो मीटिंग में जो है अंशु था, पेन अरुणाचल प्रदेश स्टेयरिंग कमेटी था, आपसू था, ऑनरेबल होम मिनिस्टर था बामा फेलिक्स सर, और चीफ सेक्रेटरी था, एआर डिपार्टमेंट से भी था, एसआईसी और सम ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स वर देयर फ्रॉम एबीपीएससी कमीशन से। तो उसका जो अंदर में जो डिस्कशन चला था रिगार्डिंग जो चार्टर ऑफ डिमांड हम लोग का 13 चार्टर ऑफ डिमांड्स को लेके, तो उसमें जो है एक एक जो हम लोग का चार्टर ऑफ डिमांड था उसको एक एक को वी हैड डिस्कस ईच एंड एवरी पॉइंट थोरोली, और एक एक पॉइंट को डिस्कस करने के बाद से गवर्नमेंट ने जो ये अश्योरेंस दिया है कि ये अश्योर किया है कि दैट आवर डिमांड विल बी टेकन केयर। और उसमें इतना कंक्लूजन नहीं आया था हम लोग का वो को लेके चार्टर ऑफ डिमांड को लेके, तो दे सेड कि दे विल कॉल अस फॉर द नेक्स्ट मीटिंग करके। तो अभी हम लोग का एक अपडेट मिला है गवर्नमेंट की तरफ से कि हम लोग को जो है नेक्स्ट मीटिंग के लिए बुलाया है ऑन 2nd February 2023 को अभी। तो सेकेंड मीटिंग में जो है आई थिंक वी होप दैट जो ये मीटिंग बुलाया है नेक्स्ट मीटिंग इट विल बी फ्रूटफुल, क्योंकि वी होप नो मल्टीपल मीटिंग्स आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि लास्ट टाइम जो मीटिंग हुआ था 10 जनवरी को और अभी जो होने जा रहे हैं 2nd February को, अभी एक महीना होने जा रहा है ऑलमोस्ट, तो आई थिंक वन मंथ इज एनफ टू कम अप विद द कंक्लूजन, टू कम अप विद द लॉजिकल कंक्लूजन, क्योंकि हम लोग का जो चार्टर ऑफ डिमांड है और वो हमको ऐसा लगता है कि ईच एंड एवरी पॉइंट व्हाट एवर वी हैव प्लेस्ड इन द चार्टर ऑफ डिमांड दैट इज वेरी लॉजिकल। तो गवर्नमेंट जो अगर चाहता है तो ये नेक्स्ट मीटिंग में आई होप वी होप कि वो एड्रेस करेगा सबको, और ये भी होप करता है कि मीटिंग आफ्टर मीटिंग्स इसके बाद नहीं होगा, एक वो लोग भी यू नो एस्पिरेंट्स का दुख तकलीफ को सोच के हम लोग को भी यू नो एक ऐसे सोच के कि हम लोग का जो फाइट है अभी तक 6 महीना से हम लोग जो लड़ते आ रहा है उसको सोच के उसको खत्म करने के लिए, वो दुख तकलीफ को हम लोग का खत्म करने के लिए अभी नेक्स्ट मीटिंग में जो है दे विल कम अप विद अ लॉजिकल सॉल्यूशन। इसीलिए नेक्स्ट मीटिंग में जो है हम लोग वी आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि अगर जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें जो है एटलीस्ट एक कंक्लूजन आएगा। तो इन दैट विद ऑन ऑप्टिमिस्टिक व्यू वी विल बी पार्टिसिपेटिंग इन द नेक्स्ट मीटिंग। और सेकेंड जो मेरा टॉपिक है वो है डोनेशन ड्राइव को लेके। तो सब पब्लिक में ये कन्फ्यूजन चल रहा है कि इतना डोनेशन ड्राइव पेन अरुणाचल लोग क्या के लिए कर रहा है, क्यों कर रहा है, और कुछ कुछ यू नो पेरेंट्स भी पूछता है कि अभी तक कितना अमाउंट जो है कलेक्ट हुआ है। तो ये जो आई जस्ट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विद द पीपल, आई जस्ट वॉन्ट टू यू नो क्लेरिफाई कि जितना एवरी मूवमेंट इट नीड्स फाइनेंशियल सपोर्ट, विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट ये एक कोई भी मूवमेंट जो है पॉसिबल नहीं है। तो अभी जितना भी हम लोग का यहाँ तक 6 महीना से हम लोग जो जो फाइट करते आ रहे हैं इट वॉज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सपोर्ट जो अभी तक हम लोग को पब्लिक देते आए। तो अभी हम लोग का जो ये मूवमेंट है दिस इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू वन एग्जामिनेशन, दिस इज यू नो मूवमेंट ऑफ मोर देन 90 एग्जामिनेशंस फ्रॉम 2014 to 2022 तक। तो ये एग्जामिनेशन का जो है अलग अलग एग्जामिनेशन के लिए हम लोग को यू नो अलग अलग लीगल बैटल्स लड़ना पड़ेगा, और लीगल बैटल्स में बेल हियरिंग होगा कोर्ट का, फिर ट्रायल होगा, तो उसके लिए हम लोग को जो है हम लोग एक लॉयर भी हम लोग के पास में हम लोग लेके रखा है, तो उसके लिए भी हम लोग को पे करना पड़ता है, और फर्दर कोर्ट केस भी हो सकता है, क्योंकि एज आई हैव सेड कि ये जो एक एग्जामिनेशन में कन्फाइंड नहीं है, तो अलग अलग मल्टीपल एग्जाम्स के लिए हम लोग को जो है बार बार कोर्ट का यू नो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा, तो उसके लिए फाइनेंशियल सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो ये चीज जो फाइनेंशियल सपोर्ट है अभी तक पब्लिक को ये बताना चाहेगा कि अभी तक जितना भी वो लोग अमाउंट दिया है वो जो है मिसयूज नहीं हुआ है और आगे भी नहीं होगा। आप लोग का जितना भी अमाउंट डोनेटेड था हम लोग को प्यार करके प्यार लग के जितना भी सपोर्ट दिया था वो अभी तक हम लोग जो है वाइजली हम लोग ने जो है उसको यूज किया है और आगे भी करेगा। तो आगे का जितना भी हम लोग का कलेक्टेड अमाउंट है देन आई विल बताएगा कि कितना है। अभी हम लोग के पास टोटल कलेक्टेड अमाउंट फ्रॉम डोनेशन ड्राइव जो है 10.6 लाख है अभी। और ये जितना मिसलिनियस हम लोग का जैसे कि हम लोग ये को भी कोर्ट हम लोग का लीगल एडवाइजर को भी हम लोग ने आधा आधा पे किया है, और कुछ कुछ डॉक्यूमेंटेशन में भी पैसा जाता है, और अभी
आगे में आगे जो अभी भी कंटिन्यूएशन तो जा ही रहा है, पैसा खर्चा हो ही रहा है, तो वी हैव एन ऑडिट टीम, जल्दी हम लोग ऑडिट करके कितना कितना एक्सपेंडिचर हुआ है, कितना पैसा हम लोग का पास में अभी फाइनली बचा है, वो सून वी विल बी दैट विल बी अपडेटेड। उसके बाद अभी हम लोग का जंग जो है और बाकी है, आगे और लड़ना है हम लोग को, तो हम लोग को जो है और आगे का लड़ाई के लिए और फाइनेंशियल सपोर्ट जरूरी होगा, तो फॉर दैट हम लोग जो है वी आर प्लानिंग टू एक्सपेंड आवर डोनेशन ड्राइव। सिंस इट इज अ पैन अरुणाचल इशू, तो हम लोग को जो है ये इशू को जो है इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश वी आर गोइंग टू हैव डोनेशन ड्राइव कैंप। तो इसका जो जब हम लोग को रिक्वायर होगा ये चीज़, तो डेट एंड टाइम जो है हम लोग बता दिया जाएगा। तो लास्टली आई वुड लाइक टू यू नो अपील, जितना भी पब्लिक है, जितना भी पेरेंट्स है, वो लोग से ये रिक्वेस्ट करना चाहिए, लेट्स बी लाइक मॉरली रिस्पॉन्सिबल एनफ, क्योंकि ये इशू जो है इतना लाइक सीरियस है, हम लोग का करियर, आपका बच्चा का करियर, सब हर एक घर का कहानी है इसमें। तो आप लोग अभी तक जितना हम लोग को सपोर्ट करते आए, अभी तक जितना हम लोग का मूवमेंट जो है यू नो प्रोग्रेस हुआ है, दैट वॉज जो स्मूथ फंक्शनिंग जो हुआ है आज तक, दैट वॉज ओनली बिकॉज ऑफ योर सपोर्ट। तो इसीलिए अभी आप लोग से ये उम्मीद करता है कि अभी आगे जैसे आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, किया है, आगे भी वैसे ही सपोर्ट करेगा। सो विद दैट आई वॉन्ट टू कंक्लूड माई पॉइंट, और आगे का जो पॉइंट है दैट विल बी ब्रीफ बाय माई कलीग्स। तो मेरा जो पॉइंट होगा, आई स्पीक ऑन द क्लियरिटी ऑन चार्टर ऑफ डिमांड एंड इश्यू। तो इसके लिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा ब्रीफ मैं हिस्ट्री बता दूंगा। तो जैसे कि आप सभी को मालूम है, इन 23rd September ए रैली वॉज कंडक्टेड बाय ए पेपर इशू, जो हमारा तिचुपुरु सर है, उसका थ्रू एक रैली कंडक्ट हुआ था, और उस रैली में उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था आपसू एंड आंसू को कम्बाइंडली। और उसी समय में हमारा जो इशू चेयरमैन था, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि ये जो इशू रहेगा वो अभी पैन अरुणाचल का इशू रहेगा। और वो जो 23rd September को जो रिप्रेजेंटेशन हम लोगों का जो इशू चेयरमैन ने प्रोवाइड किया था, जो प्लेस किया था हमारे आंसू और आपसू को, आंसू और आपसू उसको स्टडी करते हुए सिक्स डेज उन लोगों ने स्टडी किया, उसको थ्रोली इन्वेस्टिगेशन किया, और उसके बाद उन लोगों ने 29 September को अपना कंबाइंड रिप्रेजेंटेशन जो डिमांड जो गवर्नमेंट के प्लेस किया। अभी जो यहाँ पे क्या हो रहा है कि देखिए, अकॉर्डिंग टू आपसू प्रेसिडेंट, उसका हर जो स्टेटमेंट जो हम लोगों ने अभी देखा है मीडिया की ब्रीफिंग में, हम लोगों ने देखा है, इवन इनसाइड डिस्कशन जो उन लोगों का हुआ था वहां पे भी उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि उसका जो चार्टर ऑफ डिमांड्स था, जो 29 September को उन्होंने जो रखा था गवर्नमेंट को, वो पूरा फुलफिल हो गया, 100% इट इज फुलफिल्ड। बट अभी आप लोगों को मैं रीड आउट करके दिखाऊंगा कि वेदर इट इज फुलफिल्ड और नॉट, उस चार्टर ऑफ डिमांड को उन्होंने कितना तक फुलफिल किया और कितना तक नहीं किया। देखिए, जो मेरे साथ में ओरिजिनल आपसू का जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो आपसू और आंसू का चार्टर ऑफ डिमांड है, ये मेरे साथ में ये है, जो कि उन लोगों ने 29 September को दिया था। तो इसके मुताबिक अभी फर्स्ट जो आता है कि इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ ऑल द प्रेसिडेंट इनकमेंट ऑफ द APPSC और विद इन 7 days। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया ये आपने फुलफिल कर दिया, बट इसका भी हुआ सस्पेंशन कब हुआ, इसका डिमांड जो था आफ्टर 7 days हम लोगों ने मांगा था एस्पिरेंट ने, बट इसका डिमांड 7 days नहीं लगाया, उन लोगों ने बहुत देर करा। और ये बहुत देर कराने का मतलब ये है कि यहाँ पे जब टेची ये हमारे ग्यामर पादंग था उसके आने के बाद में तभी ये सस्पेंशन हुआ। मतलब मैं क्रेडिट आपसू का भी होगा, बट ज्यादातर क्रेडिट जो क्या होगा कि ग्यामर सर का भी है यहाँ पे, और ये एक डिमांड हो गया। उसके बाद सेकेंड में उन लोगों ने कहा था कि इमीडिएट टर्मिनेशन ऑफ टाकेक जेरांग, तामा सारो, तानिया गादू, तो ये सब जो डिमांड है टर्मिनेशन जो था, कहाँ फुलफिल हुआ, क्या अभी तक ये टर्मिनेशन उन लोगों का ताकि जेरांग का, तानिया गादू का फुलफिल हुआ? अभी देखिए, हम जो ये नाम जो ले रहा है ताकि जेरांग, तामा सारो, तानिया गादू, यहाँ पे इन तीनों का नाम इसीलिए क्योंकि जब ये इशू हुआ था ये तीनों ही कल्प्रिट पकड़ा गया था, उस समय का कल्प्रिट जो था ये तीन था, तो उस समय तो इन तीनों का यहाँ पे डिमांड क्लियरली यहाँ पे जो ओरिजिनल डिमांड में लिखा गया है कि उन लोगों का टर्मिनेशन होना चाहिए करके, तो क्या अभी तक उन लोगों का टर्मिनेशन हुआ? अगर टर्मिनेशन हुआ है तो प्लीज आप काइंडली उन लोगों का टर्मिनेशन जो लेटर है हम लोगों को यहाँ पे रख के पब्लिक का डोमेन में हम लोगों को दिखा दीजिए। और थर्ड हो गया कि साइमल्टेनियस पास्ट ट्रैक CBI इन्वेस्टिगेशन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट Investigation and independent judicial inquiry headed by retired judge of Supreme Court, High Court into APPSC scheme. ये भी आप लोगों का original demand था। देखिए, हम लोग simultaneously आप लोगों ने ही ये demand place किया था government के ऊपर की
इन्वेस्टिगेशन चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होना पड़ेगा, ईडी को आना पड़ेगा। तो अभी का जो डिमांड में है, आप लोग क्यों ईडी को नहीं लाया है? अभी तक 4 महीना हो गया, ये 29 सितंबर का है, अभी कितना चल रहा है अभी? और अभी 6 मंथ हो गया, 6 मंथ चल रहा है, तो अभी ईडी कहाँ इनरोस हुआ? ईडी का इनरोसमेंट हुआ क्या? नहीं हुआ। मुझे सीबीआई अभी आया है, सीबीआई भी कब आया है? अभी लेटली आया है। एई का जो था वो तो चला गया, पर बाकी जो एग्जामिनेशन का सीबीआई कब आया? अभी रिसेंटली आया, ये आप लोगों को सभी को पता है। तो और यहाँ पे हम लोग देखो, ईडी का जो डिमांड है, हम लोग पहले से इम्पसाइज क्यों कर रहा है बोलने से, यहाँ पे कोई मर्डर केस तो नहीं हुआ है ना? ये दिस इज नॉट ए मर्डर केस। यहाँ पे जितना जो घोटाला हुआ है, यहाँ पे जो जितना जो स्कैम हुआ है, ये पैसा का स्कैम हुआ है, ऐसे एक्सचेंज हुआ है, पैसा यहाँ पे एक्सचेंज हुआ है। तो अभी ये पैसा को निकालने के लिए, पैसा को डिग आउट करने के लिए, एसेस को डिग आउट करने के लिए ईडी का आना तो बहुत जरूरी है। तो अभी तक ईडी क्यों नहीं लाया गया? उसके बाद दूसरा पॉइंट आ गया, ऑल द पेंडिंग एग्जामिनेशन टू बी एनरोल्ड टू यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे जो ओरिजिनल डिमांड पे साफ साफ लिखा गया है कि यूपीएससी को इनरोल करना चाहिए करके, तो अभी आप लोगों का जो पुराना डिमांड है, आप लोगों को मैं बता दूं कि ये मेरे साथ में ओरिजिनल जो आपसू का जो 29 सितंबर को जो उन्होंने रिप्रेजेंटेटिव सबमिट किया था, ये है मेरे साथ में। और ये जो अभी रिसेंटली जो मीडिया में आया गया है, आप लोगों को मालूम है उन लोगों का रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने गवर्नमेंट को सबमिट किया गया, अभी यहाँ पे तो उन लोगों का कुछ भी यूपीएससी को इनरोल करो बोल के नहीं बोल रहा है। इनसाइड डिस्कशन में भी उन लोगों ने साफ साफ मना कर दिया कि उन लोगों को यूपीएससी को इनरोल नहीं करना है, वो डिमांड को फुलफिल नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्यों कंट्रडिक्शन हो रहा है अभी दोनों का? आपका ही डिमांड था, ये तो हम लोगों का डिमांड नहीं था, यहाँ पे आपका ही रिप्रेजेंटेशन था, तो अभी आप अपने ही डिमांड को क्यों अभी नलिफाई करना चाह रहा है, वो मेरा क्वेश्चन है। और उसके बाद अभी देखिए, जुडिशियल इंक्वायरी भी कंप्लीटेड होना चाहिए था 30 डेज में, अभी तक वो भी नहीं हुआ। और अभी जो स्टेटमेंट उन लोगों का इनसाइड डिस्कशन में उन लोगों ने कहा है कि हम लोगों का जो एस्पिरेंट है, उन लोगों का जो डिमांड है, हमेशा चेंज होते रहता है कि नहीं? सिचुएशन टाइम टाइम पे क्या होता है कि चेंज होता है। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि ये जो ओरिजिनल डिमांड में था, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है, मैं पढ़ के भी सुना दूंगा, कि दिस रिप्रेजेंटेशन विल बी फॉलोड बाय सीरीज ऑफ रिप्रेजेंटेशन विथ न्यू अनइवलिंग एंड डिस्क्लोजर इन द कमिंग टाइम्स एज वी आर डेवलिंग डीप इनटू ओरिजिन ऑफ द स्कैम्स। अभी देखिए, यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जैसे जैसे इवेंचुअली टाइम आएगा, टाइम के साथ में अगर न्यू फाइंडिंग्स होगा, तो न्यू फाइंडिंग के साथ में वी कैन एड अप न्यू पॉइंट्स। तो अभी जो हम लोगों ने जो 3 पॉइंट्स रखा, नल एंड वॉइड का पॉइंट्स रह गया, और फिर से विसल ब्लोवर का पॉइंट रह गया, और एक हो गया हमारे सिस्टर मुदंग सिस्टर का पॉइंट रह गया, ये जो जेन्यून पॉइंट है, जो नीड ऑफ आवर था, इसलिए हम लोगों ने रखा। जब एई का जब केस हुआ था, इश्यू पेपर लीकेज हुआ था, वहां पे हम लोगों का ये रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट का तो नहीं था ना, वहां पे हम लोगों को मालूम था कि जो अभी एसआई का जो पूरा टॉप होल्डर्स है वहां पे घोटाला होगा, जो अभी एचडीओ में घोटाला होगा, एडीओ में घोटाला होगा, इतना पूरा रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स में घोटाला होगा, वो तो हम लोगों को मालूम नहीं था ना। बट इवेंचुअली वो आया, वो सब घोटाला हुआ, उसके बाद हम लोग को नीड ऑफ आवर लगा कि नल एंड वॉइड होना चाहिए, जबकि सिस्टम ही कंप्रोमाइज हो गया, तो वो होना चाहिए करके हम लोगों ने ये नल एंड वॉइड को एड किया। और ये ओरिजिनल पॉइंट में आपने खुद लिखा है कि अगर इन फर्दर एनी नीड इज रिक्वायर्ड देन वी कैन एड अ पॉइंट्स ना, वो इसीलिए हम लोगों ने कहा। और जो हो गया ग्यामर पादंग का जो विसल बोवर का, वो हमारा एस्पिरेंट का डिमांड था, एस्पिरेंट ने कहा, उन लोगों के अंदर में एक डिमांड था कि अरे इतना बड़ा स्कीम जो हमारे ग्यामर पादंग ने सामने लाया, उसको तो कुछ हम लोग ग्रेटिट्यूड शो करना चाहिए, रिवॉर्ड देना चाहिए, दैट्स व्हाई वी केम अप टू दैट विसल बोवर एक्ट ना। और फिर हो गया मुदंग सिस्टर का भी एक जेन्युइन कॉज था, इसीलिए हम लोगों ने वो एड किया। तो अभी हम लोगों को बताना है कि हम लोगों ने कहा और एक कहा एड किया, और कुछ ये एड इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी आपका ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन में लिखा हुआ है कि वी कैन एड अप। और अभी और एक चीज हो गया कि अभी देखिए हमारा जो ये जो ओरिजिनल आपका जो आपसू का जो ओरिजिनल रिप्रेजेंटेशन था 29 सितंबर को, और ये जो रिसेंटली अभी जो आया गया है 10 जनवरी को, ये दोनों टोटली एक दूसरे को कंट्रेडिक्ट कर रहा है। टोटली यहाँ पे लिखा गया है कि यूपीएससी को एनरोल करो, बट यहाँ पे यूपीएससी को एनरोल करो नहीं बोल रहा है, यहाँ पे कोर्ट मॉनिटर को लाओ बोल रहे, बट अभी तक कोर्ट मॉनिटर कहाँ है, नहीं लाया गया है। तो ये सब क्यों कंट्रडिक्ट हो रहा है? ये जो एक पहले जो वॉइस था हम लोगों का, ये जो हम लोग का पूरा एस्पिरेंट का वॉइस था, ये पूरा पब्लिक का वॉइस था, अभी ये किसका वॉइस है? पब्लिक आप बताइए किसका वॉइस है अभी? तो
तो मेरा वही था, एक हम लोगों को क्लियरिटी चाहिए था कि हम लोग का जो डिमांड एंड इश्यू है ये एक क्लियरिटी आना चाहिए। जब हम लोग का जो वॉइस था, आप क्यों अभी एक अपना ही जो पर्स अभी मेमोरेंडम को निकाल के अपना ही जो पुराना जो ओरिजिनल वाला को क्यों आप नलिफाई करना चाह रहे हो? ये आपका ही है, ये हमारा नहीं है, ये आपसू और आंसू का कंबाइन है, ठीक ही ना? ये और आपका अभी नया वाला ये टोटली कंट्रडिक्ट कर रहा है एक दूसरे को। तो अभी जैसे आप लोगों को मालूम है कि अभी जो हमारा जो जितना भी जो स्कैम चल रहा है इन्वेस्टिगेशन में, इन्वेस्टिगेशन इज अ वेरी कोर कंपोनेंट ऑफ आवर दिस मूवमेंट। तो मेरा तो उतना ही कहना था। तो अभी जो इन्वेस्टिगेशन है और SIC के बारे में मेरे फ्रेंड जो है वो आपको कुछ बताएंगे। गुड आफ्टरनून। जैसे मेरा फ्रेंड ने कहा, देखिए इन्वेस्टिगेशन ऐसा है, इन्वेस्टिगेशन इज द कोर ऑफ द एंटायर प्रोसीजर। अभी जितना भी हम लोग ये रेवोल्यूशन जो मूवमेंट हम लोग देखा है, इट ऑल कम्स डाउन टू इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ में इन्वेस्टिगेशन का अगर इसका क्रोनोलॉजी अगर देखेगा, जो शुरुआत से हुआ था, जो फर्स्ट टाइम जहाँ पे ये अरेस्ट हुआ है, इनिशियली आई थिंक ये कैपिटल पुलिस से शुरू हुआ था। कैपिटल पुलिस ने अराउंड 5 ये एस्पिरेंट्स या फिर एक्यूज को पकड़ा, एंड देन वहाँ पे जो उसके बाद वो लोग का जो प्रेस में हम लोग जो व्हाट वी विटनेसेस कि वहाँ पे उसमें जो हमारा SP जिमी चिरम सर का तरफ से जो प्रेस ब्रीफिंग आया था उसमें ही हैड गिवन अस इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। उसमें ये बताया गया था कि ये जो थॉमस गादू का जो केस है, थॉमस गादू जो APPSC ये ए पेपर लिखे जो 2022 में जिसमें वो पकड़ा गया, एक्चुअली उसका जो शुरुआत जो है JEE 2021 से शुरू होता है। तो अनफॉर्चुनेटली उस समय में SP ये जिमी चरम सर ने हमें वो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मीडिया में नहीं बताया, बट हमारा जो रिलायबल इन्फॉर्मेशन हमसे ये पता चला, और अभी कोर्ट में जितना अभी CTC लगाने के बाद तो इट इज़ कन्फर्म। तो ऐसा था। तो नन द लेस कैपिटल पुलिस ने दे हैव डन सम कमेंडेबल वर्क एज वेल। तो वहाँ से जाके सिंस ये जो जितना भी इशू है, दिस इज़ रिलेटेड टू करप्शन, ये जो पेपर लीकेज का इशू है, दिस इज़ ऑल इट्स ऑल करप्ट प्रैक्टिसेस। तो बिकॉज ऑफ दिस तो वो जो है ये प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाता है। तो वहाँ से कैपिटल पुलिस से जाता है SIC में। तो SIC में जब गया उसमें हमारा शुरू से ही एक इनहिबिशन भी था, एक अप्रिहेंशन भी था। एट द सेम टाइम वी हैड सम हमारा एक होप भी था, बिकॉज यहाँ पे वी हैड सीन सम ये जो हमारा SP आनंद मित्तल है एंड देन जितना ये SIC का टीम है वो लोग का रिस्पॉन्स को देख के इनिशियली वी हैड सम रियली होप कि ये बार अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली ये SIC देयर विल बी सम मेजर ब्रेक थ्रू। तो इसी बीच में यहाँ पे जो कैपिटल पुलिस से लेके SIC में जब गया, तो यहाँ पे व्हाट वी फील वाज दैट देयर वाज सम सीरियस शॉर्ट कमिंग। तो यहाँ में गवर्नमेंट का तरफ से अगर ये हो सकता था कि इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली गोइंग टू द SIC, अगर SIC के पास भी जाता भी है, दे शुड हैव कम अप विद ए हाई लेवल इंक्वायरी कमिटी। और ये कमिटी जो है ऑलमोस्ट एवरी डिपार्टमेंट में एस्टैब्लिश होना चाहिए था, ताकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स एंड द सिविल प्रोसीडिंग्स दे कैन गो साइमल्टेनियसली। तो अगर ऐसा होता तो अभी तक जितना डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए था। दैट मीन्स टर्मिनेशन वुड हैव बीन इनिशिएटेड बाय नाउ, इनफैक्ट कंप्लीटेड बाय नाउ। ऐसे था। तो SIC का जब वहाँ पे गया, क्योंकि यहाँ में ऐसा है जैसे कि अभी जैसे हम लोगों को कुछ ये चार्जशीट में जो भी पता चल रहा है या फिर जो हमारा ये केस डायरी में जो भी पता चल रहा है कि हमें SOP का वायलेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन SOP का वायलेशन नन द लेस इट इज़ नो डाउट इट इज़ ये सिविल केस है, लेकिन यहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट दिखाई देता है। तो क्या होता है व्हेन देयर इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन द क्रिमिनल जो एजेंसी है एंड द ये हाई लेवल कमेटी जो इंक्वायरी कमेटी है, जब ये दोनों का कोलैबोरेशन होता है तो देन देयर विल बी एन ओवरव्यू, अ बिगर एक कंक्लूजन आता है। तो ये दिस इज वेयर वी मिस्ड आउट। तो यहाँ पे जब SIC ने ये केस को टेक ओवर किया, तो यहाँ पे हम लोग सुना है कि हमारा SIC का जो SP है आनंद मित्तल सर, यूजली ही सेड कि हमारा एस्पिरेंट का तरफ से कभी भी हम लोग को प्रेस नहीं किया, कभी भी अप्रिशिएट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आई वॉन्ट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू एक्सटेंड माई ग्रेटिट्यूड, आवर ग्रेटिट्यूड कि SP आनंद मित्तल सर, आप अपना पेशेंस और प्रोएक्टिवनेस से यू हैव डन सम कमेंडेबल वर्क।
इनफैक्ट अंडर योर लीडरशिप. और यहाँ पे जितना भी ये है हमारा SIC का आयोस है, तेची नेगर सर से लेके और जितना करोंग सर से लेके जितना भी है और एंटायर टीम ऑफ SIC, इन अ वेरी शॉर्ट टाइम दे हैव यू नो जितना अभी तक अरेस्ट हुआ है, आई थिंक अरुणाचल के हिस्ट्री में अभी तक यू नो दे हैव इतना लार्ज स्केल में अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है. तो फॉर डैट वी रियली वॉन्ट टू एक्सटेंड आर अप्रिशिएशन टू द टीम SIC. तो वहाँ से हम लोग को ये, और इनफैक्ट ऐसा भी था कि SIC के साथ जो हमारा एक रिलेशन था कि वी वर एबल टू गिव आर इनपुट्स, हम उसको इजीली इनपुट दे सकता था एंड देन हमारे पास जो भी ये लीड्स है, जो भी क्लूज है, वी कुड प्रोवाइड. तो वो हमारे लिए एक चैनल खोल के रखा था, तो इट वॉज ईजी फॉर अस टू एक्सेस. तो उसके लिए वी आर रियली ग्रेटफुल टू द टीम SIC. और यहाँ पे ऐसा है, लेकिन यहाँ पे SIC में एक चीज़ हम लोग को यू नो हैविंग सेड दैट ऑल द गुड पार्ट्स, लेकिन यहाँ पे हम लोग को SIC में एक मेजर ड्रॉबैक भी दिखाई दिया. यहाँ पे मेजर ड्रॉबैक ये था कि शुरू से हम लोग ऑब्जर्व किया यहाँ में जितना भी आयो है या फिर जितना भी ऑफिसर्स हुए इन द इन्वेस्टिगेशन यू नो प्रोसीजर, दे वर लिटरली ओवरवर्कड. और वहाँ पे वो लोग को ना सही से सोने का समय मिलता है, ना सही से यू नो फैमिली के साथ भी समय बिताने का मौका मिल रहा था. एंड इनफैक्ट वो लोग का काम इतना ओवरबर्डन हो गया था दैट वी कुड सी. तो उसको लेके हमने बार बार स्टेट गवर्नमेंट को भी अपील किया, क्योंकि SIC कम्स डायरेक्टली अंडर दी यू नो ये विजिलेंस डिपार्टमेंट में आता है एंड विच कम्स अंडर ये चीफ सेक्रेटरी का है एंड इनडायरेक्टली यू नो द अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर. तो हम लोग ये बार बार इंसिस्ट किया था कि काइंडली आप इसका जो पर्सनल है उसको स्ट्रेंथन कीजिए. तो टिल नाउ अभी जितना भी हम लोग देखा है कि SIC का तरफ से SIC को क्यों स्ट्रेंथन नहीं किया, इट इज स्टिल अ मिस्ट्री फॉर अस. तो उससे हम लोग को ये पता चला कि दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जहाँ में जितना हम लोग इनपुट दिया, जितना अरेस्ट होना चाहिए था उतना अरेस्ट नहीं हुआ. तो जैसे हम लोग इनसाइड डिस्कशन में भी जो आपसू लोग का जो ये वो लोग का जो मीटिंग में भी आई थिंक समबडी हैड सेड कि आप लोग 37-38 अरेस्ट हुए तो उसमें कुछ नहीं है, 1000 होने से तब कुछ होगा. ऑफकोर्स हम लोग अगर उतना इनपुट दिया है तो देयर हैज टू बी द आउटकम ऑल्सो शुड बी यू नो उसका बराबर होना चाहिए, एटलीस्ट उसका क्लोज आना चाहिए. यहाँ में हम नहीं बोल रहे कि 1000 होना है या 2000 होना है, लेकिन जितना आपको अरेस्ट करना चाहिए था. अगर हम और अरेस्ट मांग रहे हैं तो उसमें क्या गलती है? इनफैक्ट हम तो यहाँ में फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन का मांग कर रहे हैं. यहाँ में ऐसा है, ये जो जितना हम लोग उसको इनपुट दिया तो उस हिसाब से देर वॉज नो यू नो एक ये लाइक देर वॉज नो सिंक्रोनाइज नहीं हो पा रहा था. तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला कि सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन वॉज गोइंग ऑन, क्योंकि जिसको अरेस्ट करना चाहिए था, जिसको पकड़ना चाहिए था, दे वर नॉट बींग अरेस्टेड, इनफैक्ट दे वर नॉट बींग इंटरोगेटेड. तो अभी जितना हम लोग इनपुट दिया है दैट उसका रिकॉर्ड हमारा पास भी है. कल को नाउ दैट यू नो जितना एविडेंस है SIC से अभी CBI में गया है, टुमोरो वी आर गोइंग टू क्वेश्चन दैम. ऐसा है. तो अभी ऐसा है कि यहाँ में जितना भी जो SIC का काम है और SIC में उसका अपना एक पास ट्रैक रिकॉर्ड भी था कि दे हैड यू नो ऑलमोस्ट मोर देन 184 केसेस विद ऑलमोस्ट यहाँ पे ये जितना भी कन्विक्शन रेट ऑलमोस्ट जीरो कन्विक्शन रेट. तो इसका हमारा एक अप्रिहेंशन था, बट दिस टाइम वी हैड दिस यू नो ये हमारा एक होप था कि SIC विल मेक अ डिफरेंस. तो यहाँ पे हैविंग सेट बोथ द साइड, लेकिन वी हैव टू अप्रिशिएट द वर्क, द ट्रिमेंडस वर्क विच SIC हैज डन. यहाँ में कुछ मेजर ब्रेक थ्रू भी किया है, जैसे ये जितना पेपर लीकेज है यू नो फ्रॉम द बिगिनिंग जहाँ से पेपर ताके जरंग से लेके यहाँ पे डिफरेंट यू नो मॉडस ऑपरेंटी ऑफ द यू नो पेपर लीकेजेस, उसको द SIC हैड रियली कम अप विद दैट. और हम लोग को पब्लिक को भी ये बताया है कि पेपर लीकेज किस किस तरीका से हुआ है, जैसे ये आंसर स्क्रिप्ट का जो यू नो रीराइटिंग हुआ है एंड देन जो हमारा आपने सुना है कि ये चांदनी होटल में जो पेपर लिखा है एंड देन यहाँ पे जो रिसेंटली हम लोग को जो पता चला है कि जो मार्क अवार्ड शीट है, अवार्ड शीट का मैनिपुलेशन. आई थिंक SIC का जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस था बिफोर द CBI टुक ओवर द केस, वहाँ में ऐसा था कि दे हैड फाउंड अनदर यू नो ये मॉडस ऑपरेंटी ऑफ दिस एंटायर लीकेज स्कीम. तो ऐसे था कि उसमें ये था अवार्ड शीट का मैनिपुलेशन हुआ, दैट मीन्स उसमें जो साइन है, जो सिग्नेचर है, दैट वॉज कम्प्लीटली फोर्स्ड. तो यहाँ से आपको यू नो यू कैन फिगर आउट हाउ कॉम्प्रोमाइज द एग्जामिनेशन वॉज. तो हम अभी जब भी हम नल एंड वॉइड का बात करता है,
वी डिड नॉट टॉक अबाउट अभी कौन इंडिविजुअल क्या है, कौन ऑफिशियल क्या है, हमने कभी ये नहीं बोला. ऑल वी टॉक्ड अबाउट वाज द एग्जामिनेशन प्रोसेस. एग्जामिनेशन प्रोसेस कॉम्प्रोमाइज हुआ है एंड द ओनली सॉल्यूशन वाज नल एंड वॉइड. अभी जैसे हम लोग को जो पता चला है कि ये जो आंसर स्क्रिप्ट का या फिर यू नो अवर्ड का जो मैनिपुलेशन है, यहाँ से वी हैव कम टू द कंक्लूजन दैट हाउ कॉम्प्रोमाइज वॉज द एग्जामिनेशन प्रोसेस. तो यहाँ से लेके अभी SIC ने जितना काम किया किया, आई थिंक वी हैव टू यू नो अप्रिशिएट देम एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे और भी कर सकता था. तो हैविंग सेड दैट, अभी जैसे जैसे CBI ने SIC से टेक ओवर कर लिया आई थिंक ये 7 जनवरी से, तो रिसेंटली हम ये CBI ऑफिस विजिट करने गए थे. एग्जैक्टली वो लोग का स्टेटस क्या है और वो लोग का जो मॉडस ऑपरेंडी कैसा है और वो लोग का काम करने का तरीका कैसा है और वो लोग को हम जैसे हम इनपुट लेके आता है, वी वॉन्टेड टू नो वट आर यू डूइंग विद आर इनपुट्स, बिकॉज वट एवर इनपुट वी हैड गिवन टू द SIC वो इनपुट SIC CBI के पास चले गए. नाउ बिफोर हम लोग ये करता था कि हम SIC को पूछताछ करते थे, नाउ वी आर गोइंग टू क्वेश्चन द CBI. तो CBI में ऐसा है कि हम वहाँ पे जाने के बाद, सी यहाँ पे CBI में जाने से पहले हमारा कुछ कुछ ऑब्जर्वेशन था. फॉर एग्जाम्पल वो लोग का जो चार्जशीट है, जो रिसेंटली जो ये ए ही पेपर लिखे जो 2022 का जो केस है, वो जो है दे हैड टेकन ओवर द केस आई थिंक समवेयर मे बी 4-5 मंथ्स बैक. ये 4-5 मंथ्स इतना ये इन्वेस्टिगेशन करने का बावजूद भी वी डिड नॉट सी इवन वन सिंगल अरेस्ट फ्रॉम द CBI. दैट वॉज अ वेरी यू नो सरप्राइजिंग थिंग फॉर अस, क्योंकि SIC जितना अरेस्ट किया और वहाँ पे जितना भी अरेस्ट हुआ वो एग्जामिनेशन के लिए, वो सब SIC का अरेस्ट वाला था. अभी CBI का तरफ से ये आता है कि वो जो अरेस्टेड जितना भी ये अक्यूज थे उसमें सिर्फ चार्जशीट बनाया गया और चार्जशीट को अभी हमने ये CTC करके, बिकॉज सिंस आई एम वन ऑफ द कंप्लेनेंट, तो हमको CTC से हमने एक्सेस किया एंड देन वी हैव गोन थ्रू इट. तो ये चार्जशीट से हमको ये पता चला कि यहाँ में दिस इज एन इनकम्प्लीट एंड यहाँ पे दिस इज अ डिफेक्टिव चार्जशीट. और यहाँ में हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि ये चार्जशीट जितना स्ट्रांग होना चाहिए था उतना स्ट्रांग नहीं है, तो उसको लेके हमने CBI के पास गया. एग्जैक्टली आप किस बेसिस में ये चार्जशीट बनाया है, तो वहाँ पे हम लोग को पता चला कि CBI ने कहा कि दिस इज ओनली प्रिलिमिनरी चार्जशीट, इसका जो ये सप्लीमेंट्री या एडिशनल चार्जशीट विल बी कमिंग. तो ऑफकोर्स वी सेड ओके दैट इज फाइन, लेकिन एट द सेम टाइम यहाँ पे एक चीज़ है, सी मॉर्निंग सोस द डे. यहाँ पे आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है वहाँ से हमको पता चलता है एग्जैक्टली वेयर आर केस इज हेडिंग टूवर्ड्स. हमने शुरू से ये कहा है कोई भी केस स्ट्रोंग या वीक नहीं होता है, इट ऑल कम्स डाउन टू द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. अभी आप वो केस को कितना स्ट्रांग बनाता है और कितना वीक बनाता है, दैट वी कैन सी फ्रॉम दिस चार्जशीट. ये चार्जशीट में दिखाया जाता है. तो चार्जशीट का ऑब्जर्वेशन में तो यहाँ में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि फिलहाल दिस इज एन इनकम्प्लीट चार्जशीट. तो वी एक्सपेक्ट कि CBI का तरफ से देर विल बी मोर प्रोएक्टिवनेस. और यहाँ पे ऐसा है CBI का, और दूसरा जो हमारा हमने जो ऑब्जर्व किया है फिलहाल, तो यहाँ में ऐसा है कि जो CBI का जो ये यहाँ में जो एडवोकेट्स है, जो काउंसल्स है, आई डोंट वॉन्ट टू टेक देयर नेम्स, यहाँ पे ऐसा है कि देर आर सम एडवोकेट्स जो अक्यूज को रिप्रेजेंट कर चुका है, अक्यूज को रिप्रेजेंट किया है. नाउ द सेम एडवोकेट इज द स्टैंडिंग काउंसिल ऑफ द CBI. दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बार काउंसिल ऑफ इंडिया द सेम एडवोकेट कैनॉट रिप्रेजेंट बोथ द साइड्स इन द सेम केस. नाउ आई वॉन्ट टू क्वेश्चन यहाँ पे हाउ डिड दिस यू नो इसको किसने एंडोर्स किया. जब हमने CBI को पूछा तो उसने कहा कि ये होम मिनिस्ट्री से आता है, तो होम मिनिस्ट्री को कैसे पता है, तो होम मिनिस्ट्री को तो आप लोग एंडोर्स किया होगा या फिर स्टेट गवर्नमेंट एंडोर्स किया होगा. दैट मीन्स आप लोग क्या उसका बैकग्राउंड चेकिंग नहीं किया है क्या. यहाँ पे दिस इज अ वेरी सीरियस कंसर्न, क्योंकि यहाँ में कल को देयर विल बी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस एंड देयर कुड बी फाउल प्ले. ये तो बहुत बड़ा सीरियस कंसर्न है. और यहाँ पे जो भी जो रिस्पेक्टिव एडवोकेट जिसने केस लिया है दोनों साइड से लड़ रहा है उसका लाइसेंस भी जा सकता है. नाउ वी आर गोइंग टू फाइल अ कंप्लेन एंड वी होप कि देयर विल बी करेक्टिव मेजर्स. और यहाँ पे और दूसरा पॉइंट ये है, ये जो हमारा यहाँ पे जैसे जो हमारा ये चार्जशीट आया है सो फार वो ए पेपर लीकेज का जो एग्जामिनेशन का इशू था उसमें ये था कि अराउंड 11 एक्यूज को अरेस्ट किया है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे सिर्फ 8 आदमी का है.
और इसलिए हम लोग वही पूछ रहे हैं कि वेयर आर द अदर यू नो थ्री अक्यूज जिसका जिसका अभी तक चार्जशीट बनाया नहीं है. इनफैक्ट वो लोग तो अभी आई थिंक दे आर ऑन बेल नाउ, तो अभी उसका नाउ वी आर वेटिंग फॉर द चार्जशीट फॉर देम. वो लोग का चार्जशीट हम लोग उसके लिए वेट कर रहे हैं. तो इसलिए अभी जैसे कि यहाँ पे जो ये जो चार्जशीट में और एक चीज़ ये लिखा है कि यहाँ में ज़्यादातर एसओपी का वायलेशन को लेकर बात किया है. तो एसओपी का ऐसा है, एसओपी में यू नो यू कैन नॉट टेक द एसओपी वायलेशन वेरी लाइटली, मे बी दैट कम्स अंडर द सिविल डोमेन. लेकिन हमारा जो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का जो 2012 का जो एसओपी है वो एसओपी इतना पावरफुल है कि वो एसओपी को सेम एसओपी को ये में सुप्रीम कोर्ट तक यूज़ किया है केस जीतने के लिए. 2017 का जो एग्जामिनेशन था उसको टर्न अराउंड करने के लिए ये जो है 2012 का जो ये अरुणाचल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एसओपी है उसको यूज़ किया है. तो इसमें व्हाट वी वांट टू से इज दैट यहाँ में जस्ट एसओपी का वायलेशन वी कैन नॉट लुक एट इट इन दैट पर्सपेक्टिव. तो यहाँ से जैसे कि हमने सीबीआई के पास जाके वी हैड ऑलमोस्ट लाइक थ्री आवर्स हमारा यू नो ऑलमोस्ट 3 to 4 hours का हमने सीबीआई से भी बात किया. तो उसमें हमने कुछ कुछ सजेशन भी रखा था कि जैसे हम लोग एसआईसी का साथ पहले जो एक यू नो एक चैनल था, एक ओपन चैनल था वेयर वी कुड ईजिली गिव आर इनपुट्स एंड वी कुड बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस. क्योंकि हम लोग को पता है सी कोई भी केसेस होता है द यूजुअल प्रैक्टिस इज दैट कि उसको फॉलोअप नहीं करने से द केस यू नो डाई इट्स नेचुरल डेथ, मर जाता है. लेकिन ये जो एपीपीएससी का जो पेपर लीकेज है वी ऑल नो कि दिस इज नॉट द नॉर्मल पेपर लीकेज. ये हम लोग का हमारा फ्यूचर जनरेशन ये इसको डिफाइन करने जा रहा है एंड वी कैन नॉट लेट दिस केस गो यू नो या में वी हैव टू कम अप विद अ लॉजिकल कंक्लूजन. तो इसलिए हमने सीबीआई को वही सजेस्ट किया है कि काइंडली आप हमारे लिए एक चैनल खोल के रखिए, हम भी इनपुट देना चाहेगा, हम भी अपडेट लेना चाहेगा, तो काइंडली गिव अस दैट यू नो दैट प्लेटफॉर्म. और उसमें हमने ये भी कहा है कि जो स्टैंडिंग काउंसिल का अभी हमने जिसने बात किया, आई थिंक आपका विजडम के हिसाब से दिस करेक्टिव मेजर्स हैव टू बी डन, अदरवाइज इसको हम लोग भी कंप्लेन करेंगे बिकॉज दिस इज अ सीरियस वायलेशन ऑफ द यू नो ये जो हमारा जो लीगल एथिक्स है उसका भी वायलेशन है. ये जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो उसमें गाइडलाइन में भी लिखा है दैट इज अ वायलेशन ऑफ दैट ऑल्सो, वो है. उसके बाद हमने ये कहा कि जितना भी एडिशनल या सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसको एज सून एज पॉसिबल आप दे दीजिए. एंड देन हमने ये कहा कि जो रिसेंटली हमने एक ऑब्जर्व किया कि ताकि जेरंग का जो नार्कोटिक टेस्ट के लिए जो एक यू नो ये हाईकोर्ट में हियरिंग हुआ था उसमें एसआईसी का तरफ से दे टू परमिशन फ्रॉम दी यू नो हाई कोर्ट द ऑनरेबल हाई कोर्ट कि ताकेत जेरंग को पॉलीग्राफ टेस्ट या नार्कोटिक टेस्ट कर सकता है. लेकिन जब उसको जो ताकेत जेरंग का एडवोकेट जब उसको चैलेंज किया तो रिसेंट जो हियरिंग था देयर वी ऑब्जर्व दैट उसको काउंटर हमारा एडवोकेट का तरफ से हुआ ही नहीं. तो वो चीज़ को भी हमने पूछताछ किया एग्जैक्टली आप उसको क्यों काउंटर नहीं किया. तो वो लोग का कुछ कुछ रीजन्स था दे उसमें अप्रूवल लेना ये लेना है. हम लोग का ये बोलना है कि अप्रूवल लेना कंसेंट लेना इट इज़ नाउ इट इज़ योर कॉल. अभी उसको कैसे कन्विंस करना है ये आपको ऊपर है. क्योंकि जितना भी बड़ा से बड़ा केसेस में नार्कोटिक टेस्ट लिया जाता है तो इसलिए हम ये सीबीआई को भी वही अपील करेगा कि काइंडली एक बार डिक्लाइन करने से भी नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली सब्सिक्वेंट टाइम्स आप इसके लिए अप्लाई कीजिए. और उसके बाद हमने ये भी कहा कि ये जो है ये जो हमारा केस है 2014 से लेकर 2022 तक का देयर आर अप्रोक्सीमेटली मोर देन 92 एग्जामिनेशंस. और 92 एग्जामिनेशन को इन्वेस्टिगेट करने के लिए अभी जैसे सीबीआई का पास जितना पर्सनल्स है अभी हमने उस दिन भी पूछा कि एग्जैक्टली आपका पास नंबर्स कितना है. तो उसने कहा कि अराउंड 20-25 आई डोंट नो वो रफ नंबर है शायद. लेकिन हमारा मानना ये है इतना यू नो दिस स्कीम ऑफ दिस मैग्नीट्यूड इसमें यू हैव टू कम अप विद एक स्ट्रेंथन योर पर्सनल विद यू नो एक साइजेबल नंबर. तो इसलिए हमने कहा कि काइंडली एटलीस्ट आप यहाँ में 150 to 200 पर्सनल्स आपका यहाँ में होना है. बिकॉज ये जो केस है दिस इज एन अनप्रेसिडेंटेड केस. अभी कोई भी पब्लिक सर्विस कमीशन में ऐसे इतना बड़ा मैसिव स्केल में स्कीम और इतना साल तक कभी हुआ नहीं है. ये है तो इसलिए हमने ये सीबीआई को भी हमने हमारा तरफ से हमने कहा है. और हमने ये चीज़ भी कहा है कि काइंडली हमारा जो लोकल्स है जो पुलिस हो गया एसआईसी हो गया या फिर हमारा जितना भी लोकल्स है कि हमारे एस्पिरेंट्स है
काइंडली लेट अस बी ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, क्योंकि सीबीआई आप बाहर से आया है बट यू डू नॉट नो दी यू नो यहाँ का जितना ग्राउंड रियलिटीज रियलिटीज आपको पता नहीं है, तो उसके लिए यू हैव टू इन्वॉल्व दी लोकलाइट्स हियर. इसमें एस्पिरेंट्स भी पार्टिसिपेट करना है, पेरेंट्स भी करना है. इनफैक्ट हमारे जो लोकल पुलिस है स्पेशली SIC जो 5-6 मंथ से ये एंटायर केस में यू नो उसमें वो लोग इन्वेस्टिगेट किया है, दे शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ दिस. तो हमने सीबीआई को भी वही रिक्वेस्ट किया है. एंड उसके बाद हमने ये बात बोला है कि आपने जो AE सिविल जो एग्जामिनेशन आपने 4 मंथ्स लगाया बट यू डिड नॉट मैनेज टू अरेस्ट इवन 1 पर्सन. तो अभी हम यही बोल रहे हैं कि अभी 92 एग्जामिनेशन आप कितना अरेस्ट करने जा रहे हैं, बिकॉज SIC जितना करना चाहिए था इवन SIC नोस. अभी हम लोग सिर्फ नहीं बोल रहे हैं, व्हाट वी आर सेइंग वी कैन सब्सटेंशिएट, क्योंकि हमारे पास जितना हमने उसको जितना ये इनपुट दिया है SIC को, सेम इनपुट हमारा पास भी है. एंड देन उसी इनपुट को अभी SIT CBI के पास गया है. अभी SIC अगर उस समय में इतना अरेस्ट नहीं कर पाया, नाउ CBI हैज़ टू अरेस्ट. अभी वहाँ में कुछ कुछ ऐसे केसेस था कि SIC अरेस्ट वारंट भी निकल दिया था बट जस्ट बिकॉज CBI है टेकन ओवर वो लोग अरेस्ट नहीं हो पाया. तो इसलिए हम तो ये मानता है कि अभी SIC से जितना भी इनपुट जा रहा है और जितना भी फाइंडिंग्स हुआ है दे शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज. ये है. उसके बाद जिस जो हमने रिसेंटली ये देखा कि जो हमारा ये अंशु का रिप्रेजेंटेशन में भी है कि जो 3-member कमिटी IAS कमिटी रिपोर्ट है उसको हमने पब्लिक करने के लिए कहा. आई थिंक इन द लास्ट मीटिंग दैट वॉज गिवन टू अस, तो उसको हमने भी गो थ्रू किया. वी हैव गोन थ्रू इट. तो यहाँ पे डिटेल में तो नहीं जाएगा. दिस इज द 3-member IAS कमिटी रिपोर्ट. यहाँ में इसमें बहुत कुछ लिखा है. यहाँ में दे हैव डन सम यू नो एक्सटेंसिव वर्क और इट इज़ क्वाइट वॉल्यूमिनस. लेकिन यहाँ पे जितना भी कंटेंट है इट इज़ ऑल एडवाइजरी इन नेचर. यहाँ में ये है कि फ्यूचर एग्जामिनेशन में क्या होना चाहिए, SOP में क्या होना चाहिए. लेकिन यहाँ पे जितना प्रोसीजर लैप्सेस है, कहाँ कहाँ में फाइंडिंग्स है, दोस मेजर फाइंडिंग्स तो लिखा ही नहीं. यहाँ पे दे जस्ट टॉक्ड अबाउट SOP वायलेशन बट SOP वायलेशन कैनॉट बी द ओनली थिंग. नाउ वी वॉन्ट टू नो फॉर एग्जाम्पल तके जरंग को फोर्स रिटायरमेंट कैसे दिया. ये जो हमारा जो फॉर्मर चेयरमैन है निपुण आवम सर वो उसको फोर्स रिटायरमेंट दिया है, वो कैसे करके दिया है वो लिखा नहीं है. और यहाँ पे सिलेक्टिव इन्वेस्टिगेशन हुआ, सिलेक्टिव अरेस्ट हुआ, जितना इनपुट है पता है कहाँ कहाँ में. और एक बात ये है कि इतना बड़ा स्कीम यू नो इतना बड़ा स्केल में जो हुआ एंड दैट टू फॉर सो मेनी ईयर्स, अभी यहाँ में इस तरह का जो इंटेलिजेंस है दे वर कम्प्लीटली अनअवेयर. हाउ इज दैट पॉसिबल. और यहाँ पे तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स डिपार्टमेंट है एंड देन जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग उनका रोल तो लिखा भी नहीं है. बिकॉज जितना भी रिक्रूटमेंट प्रोसेस है फ्रॉम द गाइडलाइंस जैसे ऑफिस मेमोरेंडम भी होता है या फिर जितना ये क्या बोलते हैं जितना भी हमारा APPSC का एग्जामिनेशन का गाइडलाइंस होता है एवरीथिंग कम्स फ्रॉम द एयर डिपार्टमेंट. और ये होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, यहाँ पे तो उसका कुछ जिक्र ही नहीं किया है. दे हैव नॉट मेंशन द लैप्सेस देयर. तो हमको ये बोलना है कि इन शॉर्ट दिस इज ऑल्सो इनकम्प्लीट. और ये कहीं ना कहीं दिस लुक्स लाइक एन आई वॉश. ये है. तो इसलिए अभी हम लोग को ये बोलना है कि जो जितना भी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस है हम लोग तो वही बोलेगा जितना अभी तक अरेस्ट हुआ है. वी रियली वॉन्ट टू अप्रिशिएट द टीम SIC. लेकिन SIC भी जितना अरेस्ट करना चाहिए था वो लोग उतना नहीं किया है, दैट दे ऑल्सो नो इट. अभी हम वी डोंट वॉन्ट द सेम थिंग टू बी रिपीटेड बाय यू नो द CBI, क्योंकि CBI अभी टेक ओवर कर लिया है. चलो CBI का कुछ मोडस ऑपरेंडी होता होगा बट वी ऑल्सो वॉन्ट टू से दैट द पीपल हु आर सपोज टू बी अरेस्टेड दे मस्ट बी अरेस्टेड. और यहाँ में जैसे यू नो आफ्टर सेइंग ऑल दिस अभी आई वॉन्ट टू कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ये लोग आपको हमारा जितना भी अरुणाचल का जितना जनता है आप लोगों को ये हमको अपील करना है कि हमारा ये जो मूवमेंट है जैसे मेरा फ्रेंड्स लोग ने भी कहा है कि ये मूवमेंट सिर्फ एस्पिरेंट्स का नहीं है या सिर्फ यू नो नॉर्मल ये का एक दो आदमी का नहीं है. दिस इज़ अ मूवमेंट ऑफ एवरी अरुणाचली. ये हर किसी का मूवमेंट है. तो यहाँ में हमको ऐसा लग रहा है कि सिंस दिस इज एवरी अरुणाचली मूवमेंट सो एवरी अरुणाचली मस्ट बी पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट. सब आना है. तो उसको लेके हमने ये जो 28 जनवरी को है हमने IG पार्क में एक मास गैदरिंग रखा है
आई थिंक दैट विल बी हमारा जो फेसबुक पेज है या फिर सोशल मीडिया जितना भी हैंडल्स है उसमें भी अपडेट किया जाएगा. और हमारा तरफ से भी हमने ये हमारा जो जितना भी जनता है, इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू एस्पिरेंट्स, हम हर अरुणाचल को यहाँ पे आप लोग इन्वाइट करना चाह रहे हैं, जो हमारा यू नो सिविल सोसाइटी से हो या फिर हमारा जितना भी यू नो डिफरेंट लीगल फ्रेटर्निटीज भी आ सकता है, जो हमारा फ्रॉम डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ, जो बिजनेस फ्रेटर्निटी से भी आ सकता है, जो हमारा प्रोमिनेंट लीडर्स है, सोशल एक्टिविस्ट है, सब आ सकता है. इनफैक्ट हम लोग तो वही चाहेगा कि बिफोर द नेक्स्ट मीटिंग, जो हमारा 2 फरवरी के लिए जो मीटिंग शेड्यूल किया है, तो हम चाहता है कि यू ऑल बी पार्ट ऑफ अस. ये जो मूवमेंट है इसमें आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, आपका जो इनपुट है शायद कुछ कुछ इनपुट आप लोग से भी वैल्यूएबल इनपुट आ सकता है विच वी माइट बी मिसिंग आउट. तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी काइंडली आइए यहाँ पे पार्टिसिपेट कीजिए, एंड जितना भी जो केस ये मूवमेंट का जो मीटिंग का जो अपडेट है दैट विल बी गिवन इन दी यू नो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स. तो हमारा मीटिंग होगा 28 जनवरी 2023 10 o'clock इन आई जी पार्क. तो हैविंग सेड दैट नाउ आई वांट टू कंक्लूड हियर. अगर आप लोग में से कुछ क्वेश्चन पूछना है तो काइंडली पूछिए. ओके, यहाँ पे ऐसा है जैसे आई सेड, यहाँ पे जो स्टैंडिंग काउंसिल है हमारा जो सीबीआई का, आफ्टर गोइंग थ्रू दी कोर्स लिस्ट उसमें हमने देखा कि सीबीआई का जो आप भी देख सकते हैं, इट इज़ अवेलेबल इन दी यू नो सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म में अवेलेबल है. यहाँ पे उसमें देर आर इन फैक्ट 2 advocates, वन ऑफ देम हैड रिप्रेजेंटेड ताकि जरन को रिप्रेजेंट कर चुका है. यहाँ पे नहीं नहीं वन ऑफ देम हैज़ रिप्रेजेंटेड या वन ऑफ देम हैज़ रिप्रेजेंटेड ताके जेरंग मल्टीपल टाइम्स जितना बेल हियरिंग हुआ है. तो आई डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम, ये आप लोग पता चल जाएगा. काइंडली आप लोग सीबीआई से भी अपडेट ले लीजिए, क्योंकि हमने सीबीआई को क्लियरली पूछा है कि इफ दिस एडवोकेट हैज ऑलरेडी रिप्रेजेंटेड ताके जेरंग, हाउ कैन दिस सेम एडवोकेट कैन रिप्रेजेंट द सीबीआई, बिकॉज देयर इज अ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हियर. और यहाँ में तो हम तो बोलेगा दिस इज नॉट जस्ट वायलेशन, दिस इज अ क्राइम, दिस इज सीरियस क्राइम. तो अगर ये सीबीआई का तरफ से अगर ये गलत हुआ है तो दे हैव टू अपोलोजाइज एंड दे हैव टू टेक देयर करेक्टिव मेजर्स एज सून एज पॉसिबल. और जो कंसर्न एडवोकेट है द लीगल काउंसिल, आप भी काइंडली यू शुड हैव विदड्रॉन फ्रॉम हियर. अगर वो लोग आपको एंडोर्स भी कर रहा है तो यू शुड हैव विदड्रॉन ऑन योर ओन. अभी आई डोंट वॉन्ट टू टेक हिज नेम और हर नेम, लेकिन आप लोग को भी पता चल जाएगा हुम आई एम टॉकिंग अबाउट. Any more question? देखिए ये जो मीटिंग है, इनफैक्ट जो लास्ट मीटिंग हुआ था वो लास्ट मीटिंग भी एक्चुअली बोलने से वो फर्स्ट मीटिंग भी नहीं था. इनफैक्ट उससे पहले मल्टीपल मीटिंग्स भी हो चुका है. और लास्ट मीटिंग में जो हमने डिस्कशन किया, आई थिंक वी हैव प्लेस्ड आवर पॉइंट्स वेरी क्लियरली. और हमने रखा है कि कहाँ पे एग्जैक्टली हमारा डिमांड कहाँ पे है. और आपको भी पता है एग्जैक्टली आप यू नो हाउ द लॉजिकल कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन हियर. तो हमारा बोलना ये है कि जो सीरीज ऑफ मीटिंग जो बात कर रहा है, जो हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है, एज माई फ्रेंड ऑल्सो हैज सेड कि यहाँ पे चार्टर ऑफ डिमांड देयर इज, ये हमने कोई यू नो इमेजिनेशन के साथ नहीं डाला है, विथ प्रैक्टिकलिटी. और इट इज़ एक्चुअली लॉजिकल और इट इज़ पॉसिबल भी है, इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. तो दैट्स वाई वी फील दैट इसमें सीरियस ऑफ मीटिंग का जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, एंड दिस कमिंग मीटिंग शुड बी यू नो वंस एंड फॉर ऑल. Thank you.
देखिए ये नल एंड वॉइड वाला पॉइंट जो है, या मैं आई वांट टू रिटरेट, ये दोबारा बोलना चाहेगा कि या मैं हम लोग कोई एस्पिरेंट को नहीं देख रहा है, या फिर कोई पेरेंट्स को नहीं देख रहा है, ऑफ कोर्स वो लोग भी है, या मैं हम ये बोल रहे हैं कि आई एम लुकिंग एट द एग्जामिनेशन प्रोसेस। देखो उसमें से मिला वाला मेरा अपना रिलेटिव्स भी है, मेरा यू नो लाइक आपका भी निकलेगा, सबका निकलेगा। और यहाँ में हम भी ये भी मानता है कि देयर विल बी जेन्युइन कैंडिडेट्स ऑल्सो, जो साई में लिखा है। लेकिन हम ये बोलना चाहेगा कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हु इज जेन्युइन एंड हु इज नॉन जेन्युइन, वो नहीं देख रहा है। आई एम सीइंग द प्रोसेस, द एग्जामिनेशन प्रोसेस। अभी जैसे प्रेसिडेंट, जो अंशु प्रेसिडेंट ने बोला है कि इफ पीपल यू नो देयर, जो कैंडिडेट्स है, जो एस्पिरेंट्स है, जो अप्रोच कर रहे हैं कि वे देव गिवन द एग्जाम यू नो अपना ये ऑनेस्टली लिखा है, तो आई वुड एडमिट कि हाँ होगा, डेफिनेटली होगा। इनफैक्ट हमको भी एक दो बार कॉल आया था कि कोई कोई ग्रुप ऐसा है कि वो लोग भी जेन्युइनली लिखा है। इनफैक्ट ऐसा आने वाला को तो वी वेलकम दैट यू नो दोज जेस्चर्स। हम तो चाहता है कि जो जो जेन्युइनली अगर आप क्लियर किया तो आप आगे आइए। और ये जो मूवमेंट है, ये जो हमने जो एग्जामिनेशन का जो कॉम्प्रोमाइज होने का जो बात बोला, वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट जो हमारा, हम एग्री एस्पिरेंट के हिसाब से नहीं बोल रहे। ये जो है अभी जो गलत प्रैक्टिस हुआ है, अगर इसमें करेक्टिव मेजर्स नहीं लेगा, इसमें अगर हम प्रेसिडेंट सेट नहीं करेगा, दिस विल बी रिपीटेड इन द कमिंग टाइम्स। ये है। तो इसलिए अभी चलो कोई बोलता है कि इफ दे वॉन्ट टू कम अप और आगे आके वो बोलना चाहता है कि दे हैव गिवन द एग्जाम जेन्युइनली, तो वी रियली अप्रिशिएट दैट। लेट देम ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, वो लोग भी आइए। और जो ये जो नल एंड वॉइड का जो पॉइंट है, जैसे कि हमने कहा कि जब गवर्नमेंट के पास भी जाके बोला कि देखिए आपका एग्जामिनेशन तो कॉम्प्रोमाइज हुआ है, यू ऑल्सो एडमिट दैट, और हम भी मानता है। चलो इफ नो नल एंड वॉइड, देन व्हाट ऑल्टरनेटिव, व्हाट एग्जैक्ट जो अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव क्या है, वी वॉन्ट टू हियर फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो जैसे अभी जो जेन्युइन एस्पिरेंट्स जो आ रहा है बोला, वी वेलकम देम, आप लोग भी आइए। इनफैक्ट हम तो बोलता है जो जो जेन्युइनली लिखा है, आप लोग भी आइए। और जैसे प्रेसिडेंट सर ने कहा है कि इफ यू आर रियली जेन्युइन, आप लोग यू शुड बी ओपन टू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑल्सो। तो आई थिंक दैट इज अ प्रोग्रेसिव अप्रोच। As I said moments back, see any case is, वो you know कोई भी case strong या weak नहीं होता है, it all comes down to the investigation agency, how strong or how weak they make the case. For example, अब 2014 का जो paper leakage हुआ था, आप उसका example ले लो। अगर आज उस समय में if the corrective measures were taken, तो आज का situation नहीं आना था। उसमें क्या था, they had prepared a very weak charge sheet. अगर आज का चार्जशीट को देखा जाएगा तो उससे तो स्ट्रॉन्गर है, बट इट इज स्टिल नॉट यू नो इनफ। लेकिन अभी यहाँ में वही है कि उस समय का जो चार्जशीट था, इट वॉज सच ए वीक चार्जशीट कि वहाँ में ये भी लिखा है, जो जजमेंट था, जजमेंट में ये लिखा है कि पेपर लीकेज हुआ है बट देर इज नो कल्प्रिट। ये एग्जैक्टली क्या बोलना चाह रहे हैं, आई को नॉट, स्टिल अभी भी हम नहीं समझ पा रहा है। दैट मीन्स पेपर लीकेज भी हुआ है और करने वाला भी नहीं है, उसका मतलब कोई बूट किया होगा, सम गोस्ट मस्ट हैव डन द पेपर लीकेज, दैट इज कम्प्लीटली इलॉजिकल, राइट। तो वहाँ से पता चलता है कि इट वॉज बिकॉज ऑफ द लूप होल्स इन द चार्जशीट। तो अब अभी जैसे बोल रहे हैं कि यू आर आस्किंग कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर, सी वेन एवर वी स्टार्ट अ मूवमेंट वी डू नॉट नो वेर इट इज गोइंग टू एंड। और ये हम लॉजिक जब कंक्लूजन को जाके तो हम यू नो प्री डिटरमाइन नहीं कर लेता है, लेकिन बट वट एवर वी यू नो जब हम शुरू करता है तो वी ऑलवेज स्टार्ट विद अ होप, वो एक ऑप्टिमिज्म के साथ। तो यहाँ में ऐसा है, अगर एक या दो एग्जामिनेशन में ऐसा होता, देन आई कुड हैव सेड या दैट वाज एन एक्सीडेंटल थिंग, यहाँ में चलो एक दो जगह मिल गया, स्टिल आई कैन सी दैट वाज अ नॉर्मल पेपर लीकेज। लेकिन आप यहाँ में देख सकता है कॉन्सिक्यूटिवली, फॉर
फॉर सो मेनी ईयर्स एंड सो मेनी एग्जामिनेशंस और इतना ज्यादा मास स्केल में अभी जितना अरेस्ट हुआ है 46 जो भी बात बोला है दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग एक्चुअली जो एक्चुअल जो कल्प्रिट्स है अभी भी बचा है अगर जरूरत पड़ेगा तो बाय नेम वी कैन गिव द यू नो द ये जितना भी एविडेंस दे सकता है बट वी फील दैट इट इज इन द विजडम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हाउ जस्टिस यू नो हाउ दे आर गोइंग टू जस्टिफाई दैट तो अब अभी जैसे बोला है कि हाउ कॉन्फिडेंट वी आर वेरी कॉन्फिडेंट होना चाहिए अगर कॉन्फिडेंट नहीं होता तो वी वुड नॉट हैव कम टिल हियर हम कॉन्फिडेंट हैं और हम तो चाहता है कि हम तो भरोसा भी करता है कि देयर विल बी यू नो एक लॉजिकल कंक्लूजन और लॉजिकल कंक्लूजन इन यू नो इन रियल सेंस नॉट इन ये जस्ट हमको कुछ करने के लिए वो नहीं इन द रियल सेंस या में ऐसा है सी माय फ्रेंड आल्सो हैड रेड आउट कि जब इन्वेस्टिगेशन के लिए सीबीआई को बुलाया था व्हेन वी हैड आस्क्ड फॉर द यू नो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन वी डिड नॉट जस्ट आस्क फॉर सीबीआई वी आस्क फॉर ईडी आल्सो एंड देन वी आस्क फॉर जो जुडिशियल मॉनिटर प्रोब है उसके लिए भी मांगा एंड दिस थ्री एजेंसीज कैन वर्क साइमल्टेनियसली जैसे लास्ट टाइम जो हमारा जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर है गवर्नमेंट का स्पोक्स पर्सन भी है जब उसको ईडी का सवाल पूछा तो उसने क्या कहा उसने ये कहा कि आगे सीबीआई इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट होने दो उसके बाद ईडी बुलाएगा दैट इज नो ब्रेनर एक्चुअली दैट इज एक्चुअली इलॉजिकल अरे यहाँ में सीबीआई ईडी और कोर्ट मॉनिटर प्रोब दे कैन वर्क साइमल्टेनियसली चल सकता है तो अब अभी जैसे बोला है कि वी आर नॉट सेटिस्फाइड विद दी देखो आई वुड से कि दिस इज ये जो चार्जशीट अभी बना है दिस इज जैसे सीबीआई ने कहा कि दिस इज अ प्रिलिमिनरी चार्जशीट लेकिन आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ स्ट्रॉन्गर चार्जशीट तो यहाँ पे फिर भी यहाँ में हम लोग कुछ तो लाइक वी कैन सी सम होप हियर एज वेल बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि देयर विल बी सब्सिक्वेंट यू नो सप्लीमेंट्री चार्जशीट्स तो जैसे आपने कहा कि कोर्ट में जाना है कि नहीं ये जो है यहाँ में अगर इफ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दिस वी आर नाउ ऑल्सो वी आर आस्किंग यू नो वी आर कंसल्टिंग द लीगल एक्सपर्ट्स कि वॉट वी कैन डू अबाउट दिस बिकॉज यहाँ में आई होप इफ आई एम नॉट रॉन्ग बिकॉज आई एम नो लीगल एक्सपर्ट हियर But if I'm not wrong, I think we can make some corrective measures here as well, legally. ये नार्को टेस्ट जो है देखिए जो ये SIC का तरफ से जो इनिशिएटिव किया था लेकिन जो उसका हियरिंग हुआ CBI के पास जाने के बाद तो उस दिन उसी चीज़ को हमने CBI से भी पूछताछ किया कि हमने ये पूछा कि जब इसका हियरिंग चल रहा जब उसका ऑब्जेक्शन चल रहा था हमारा जो काउंसिल है जो CBI को रिप्रेजेंट कर रहा है वो उसका जो अप्रूवल कंसेंट नहीं था जो बात कर रहा था उसको आप लोग ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया हमने पूछा तो CBI ने वही कहा कि दे आर स्टिल गोइंग थ्रू द केस अभी वो जस्ट फ्रेश केस लिया है दे आर स्टिल गोइंग थ्रू इट लेकिन हमने ये इंसिस्ट किया है कि यू हैव टू यू नो परसिस्टेंटली यू हैव टू ट्राई फॉर दिस नार्कोटिक टेस्ट और क्योंकि ये पहले भी हुआ है कि यूजुअली क्या होता है डिक्लाइन करता है यू नो फॉर यू नो वंस ट्वाइस थ्राइस लेकिन यू नो आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ टाइम्स एक अप्रूवल तो आ जाता है एंड देन अभी जैसे कि इसका तके जरंग या कोई भी यहाँ पे अक्यूज है वो लोग का कंसेंट कैसे लेना है कब लेना है नाउ इट इज अप टू दिस CBI वो लोग का अपना उसका डोमेन में है